सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। अभी बज रहा है 8 बजे का टाइम और 8 बजे मेरी चाय जो है बन चुकी है। ये देखिए चाय नाश्ता, जीरा और नमकीन और चाय जो है मैंने बना ली है, क्योंकि पतिदेव जा रहे हैं थोड़ा सा काम से मॉर्निंग में ही, तो इसलिए ना मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मेरे क्यूटी बच्चे से मिल लीजिए, वो भी उठ चुका है हम लोग के साथ में। पतिदेव ब्रश कर रहे हैं ये देखिए, क्योंकि इनको जाना है थोड़ा काम से। और यहाँ पर लग रही है मेरी झाड़ू, ये देखिए पतिदेव जा चुके हैं चाय वगैरह पी के। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए एकदम मॉर्निंग का मौसम है, और जो है झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है फ्रेंड्स, हद से ज़्यादा गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। इतनी गर्मी में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतना सारा काम, लेकिन करना भी ज़रूरी है, क्या करें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी काम वगैरह करने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा क्यूटी बेटा है, बहुत छोटू सा है अभी, और गर्मी में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है गर्मी में, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना है। और यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े, पतिदेव के जाने के बाद जो है मैंने आगे वाले रूम में झाड़ू पोछा लगाया था, सासू के कमरे में झाड़ू पोछा लगाया था, और यहाँ पर जो है कपड़े धुल रही हूँ। तो बस सासू माँ बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर लगा रही हूँ, धुल रही हूँ कपड़े, और बहुत ज़्यादा नहीं थे ना, इसलिए जो है मैंने सोचा हाथ से धुल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सच में, क्योंकि अभी वैसे नाश्ते का टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन सासू माँ अभी जब मेरा काम जल्दी हो जाएगा ना, तो वो जल्दी नहा लेंगी, तो जल्दी उनको नाश्ता भी चाहिए होता है, तो जिस दिन मैं जल्दी करती हूँ ना, वो मुझसे भी जल्दी करती हैं। तो मैं फटाफट जो है अपना काम ख़त्म करूँगी कपड़ा वगैरह धुलने के बाद, मैं भी नहाऊँगी, उसके बाद जो है चाय वगैरह दोबारा से बनेंगी, क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग में चाय बनाई थी वो सासू माँ ने नहीं पी, क्योंकि उनको नहाने के बाद जो है खाना जो भी बनेगा वही खाएंगी, नहाने के पहले जब मैं कुछ भी बना दूँगी ना तो वो नहीं खाएंगी, वो थोड़ा सा पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो इस वजह से वो जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो इस वजह से जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक वो खाएंगी नहीं। तो अभी मेरा काम हो चुका है, मैंने सोचा अभी टाइम है तो हाथ से धुल लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और टाइम से काम भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ लेट नहीं हुई हूँ, तो सारा काम मैनेज हो जाएगा। तो बस पतिदेव गए हैं, वो आएँगे कम से कम 12-1 बजे या 2 बजे, या जब उनको टाइम मिलेगा तब वो आएंगे, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनेगा, लेकिन पहले नाश्ते का इंतज़ाम मुझे जो है करना है। तो बस यहाँ पर मेरा कपड़ा धुल चुका है फ्रेंड्स, और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो नहा के आऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। और आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, क्योंकि बस रोज़ काम काम काम, इसी में मेरा पूरा टाइम जो है निकल जाता है, और आप लोग से बातें भी नहीं हो पाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। एक सेकेंड बार मैं फिर से गुड मॉर्निंग कह रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर चाय चढ़ाया है और यहाँ पर सेक रही हूँ ब्रेड, ये देखिए थोड़ा सा कड़क सेक रही हूँ, क्योंकि सासू माँ को सब चीज़ जो है परफेक्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा कड़ा कड़ा खाएंगी वो, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कड़ा कड़ा जो है ब्रेड में सेक रही हूँ। और घी खाएंगी नहीं, मक्खन खाएंगी नहीं, तो मैं रिफाइंड ऑयल में सेक रही हूँ, थोड़ा सा नया तरीका है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने नहा के फिर से नाइटी पहन ली है, सूट नहीं पहना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता छोटे बेबी को साथ में लिए रहो और फिर सूट वगैरह पहनो, तो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता, तो इस वजह से जो है मैंने जो है फिर से नाइटी पहन ली है, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी कम होगी तब सूट वगैरह चल जाएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश हो नहीं रही है, इसकी वजह से ना गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इनको सासू मॉम को चाय वगैरह दे देते हैं, उसके बाद फिर जो है आप लोगों से बात करेंगे, और बहुत सारी बातें करनी है, फ्रंट कैमरा से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम आप लोगों से, बस काम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम ही हो जाता है कि जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, और जब टाइम मिलता है तो ब्लॉग एडिटिंग करती हूँ, बेबी को देखती हूँ, इस सब काम में जो है मेरा टाइम चला जाता है, तो इससे जो है ना और भी टाइम नहीं मिल पाता मुझे।
और जब सासू माँ जाएंगी तो थोड़ा सा लाइफ जो है वो नॉर्मल होगी, भागम भाग वाली लाइफ अभी इस समय है। फटाफट नहाओ खाओ, सॉरी फटाफट उठो, झाड़ू पोछा करो, उसके बाद नाश्ता बना के दो, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करो, उसमें बेबी को भी देखना, तो इतना सारा काम मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर छन रही है चाय, और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पीने। तो थोड़ा सा ये वीडियो स्लो हो गया है बहुत ज़्यादा, मैं इसको स्लो करने वाली नहीं थी, लेकिन ये स्लो हो चुका है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चाय वाय देने के बाद फिर जो है मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सासू माँ का प्लेट जो है लग चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने जीरा और हींग का तड़का लगाया है, तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका था, थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है, थोड़ा सा नहीं मतलब एक या दो तेज पत्ता डाला है। और ये तैयारी हो रही है जो है लंच की। तो यहाँ पर मैंने बारीक कट किया प्याज जो है डाला है, थोड़ा सा मैं इसको भी भून लूँगी अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से। तो आज जो है बनेगी कुंदरू की सब्जी और पराठे, चावल वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि पतिदेव है नहीं, दाल चावल पतिदेव ही खाते हैं ज़्यादातर, तो अभी वो है नहीं, तो बस ऐसे ही नॉर्मल जो है बन जाएगा। यहाँ पर देखिए प्याज जो है मैंने अच्छे से भून लिया है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो है देखिए मुझे जैसा आता है फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ वैसे शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं आता है, लेकिन ये सासू माँ की रेसिपी है। यहाँ पर मैंने फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से हो गया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन, ये देखिए इससे ग्रेवी ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट जो है ना अच्छा आ जाएगा। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और सासू माँ रहती ना तो खाना वगैरह थोड़ा सा कायदे से बनाना पड़ता है, नहीं तो हम या बीवी रहते तो कुछ भी चल जाता है, मैगी रोटी, मैगी पराठा, भुजिया पराठा, कुछ भी नॉर्मल जो बनता है रोज़ यही हो जाता है, या किसी दिन दाल चावल बन गया, किसी दिन सिर्फ तहरी ही बन गई। लेकिन उनके रहने पर ना खाना वगैरह थोड़ा सा ढंग से उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले डाले हैं और इसमें जो है बस वही रोज़ वाले मसाले हैं। अब अच्छे से इनको करेंगे मिक्स, बहुत अच्छे से मैंने भुना है, बेसन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ सब्ज़ी बहुत मस्त बन रही है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है, इसको जो है अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। तो हो गया है ये अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, और यहाँ पर देखिए मसाला एकदम पक चुका है, ग्रेवी बहुत अच्छी है, मेरा अभी मन कर रहा है रोटी के साथ खाऊं थोड़ा सा स्क्रीन से निकाल कर, लेकिन अब ये बन चुका है, अभी मैं नहीं खा सकती। और ये मैं दूसरे दिन ब्लॉग जो है ना एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए नमक है, इसको मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी और फिर अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मैं भूनूँगी इसको, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सच में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो मैं फिर से दोबारा कभी बनाऊँगी। अभी तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया, तो मुझे लगा आप लोग के साथ इसकी रेसिपी जो है मुझे शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से भून लिया है। उसके बाद अब मैंने कुंदरू और आलू को जो है फ्राई करके रखा हुआ है फ्रेंड्स, उसको डाल दूँगी और फटाफट पराठे बना लूँगी, ये हो जाएगा नाश्ता। वैसे ये मॉर्निंग में पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन सासू मोम को जब भी मन करता है तभी वो खाती हैं। यहाँ पर ये मैंने फ्राई करके रख दिया था कुंदरू और आलू को, तो थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, और पराठे बने रहेंगे ना तो पतिदेव अगर आ गए टाइम से तो वो पराठे सब्जी बड़े प्रेम से खाएंगे, तो मुझे दाल चावल बनाने से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वैसे दाल चावल में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको कर दिया है मिक्स, और कितनी लाजवाब सब्जी दिख रही है, बहुत ही यम्मी दिख रही है सच में। तो अभी स्क्रीन में देखकर ना मुझे लग रहा है मुझे दोबारा ये बनाना चाहिए, तो पतिदेव से कहूँगी कुंदरू ले आओ और फिर से बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी सच में। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा कम जो भी आपको पसंद हो। तो बस आलू पकने तक, वैसे आलू आधा से ज़्यादा पक चुकी है, बस थोड़ा बहुत और पकाना है, उसके बाद सब्जी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आया है थोड़ा सा सामान, पतिदेव लेकर आए हैं रोज़ वाला सामान, थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था बिस्किट वगैरह, और क्योंकि रोज़ रोज़ मेहमान आते हैं तो पानी देने के लिए थोड़ा सा बिस्किट वगैरह चाहिए होता है। ये सूजी है मेरे क्यूटी बच्चे के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत मैं देती रहती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सूजी वगैरह मंगाई है, थोड़ा सा रस वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, ब्रेड रहता है ना तो लीज़ा को देने में थोड़ा सा आराम रहता है, खाना बना है नहीं बना है, रोटी बची है नहीं बची है, उस हिसाब से लीज़ा को मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ
फिर से किचन में, और ये सभी चीज़ों को मैं फटाफट खाली कर दूँगी। तो बस यही मेरी वीडियो थी फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।